हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम आपको सूट का स्टिचिंग बताएंगे। चलिए इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। इस तरह से कपड़े को दोनों शोल्डर को जॉइंट करके एक को सीधा और एक को उल्टा इस तरह से रख के और दोनों शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। इसका गला का नेक स्टिचिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से डबल करके सिलाई को मार लेना है। कभी भी शोल्डर सिलना है तो गला के साइड से बराबर करके फिर इसको भी हम दोनों बराबर करके शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। बाजू स्टिचिंग भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसमें देख लें। और सूट कटिंग भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी में देखें। तीनों चीज का डाल रखा है हमने इस तरह से। फिर हम फिर साइड से दोनों को बराबर रख के और एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच लिया था, 2 इंच इतना दूरी पे हम सिलाई मारेंगे। इस तरह से हमें सिलाई 2 इंच की दूरी से देते जाना है। और जहाँ पे हमने चाक का कट लगाया था वहाँ पे अंदर ही साइड से 1.5 इंच की दूरी 2 इंच की दूरी पे हम रोक देंगे। यहाँ पे लगे यहाँ पर डबल मार देंगे चाके मारते समय सिलाई खुले नहीं। दूसरे साइड में भी हम इसी तरह सिलाई मार लेंगे और एक लूजिंग सिलाई देंगे हम। इस तरह से लूजिंग सिलाई दे देंगे। इसे भी हम वहीं पे लाके रोक देंगे। दोनों सिलाई जब लूजिंग का भी एक ही जगह पे आएगा चौक का, दोनों को पास में ही रखें। ये हमारे दोनों तरफ का सिलाई हो चुका है। अब इसे हम सीधा करके चाक बना लेंगे। इस तरह से सीधा करके बराबर करके ले लेना है चाक के पास से, जो हमारा 2 इंच का था फोल्ड करने के लिए। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके सिलाई मार देंगे। साइड साइड में सिलाई मारे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इसको हम सीधा सिलाई लेके जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। यहाँ से हम घुमा देंगे पीछे वाले साइड का चाक पे अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर सीधा सिलाई लाएंगे। उसके बाद फिर हम घर से जितना एक्स्ट्रा सिलाई के लिए थे उसे हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। हमें ध्यान देना है कि जैसे उसमें फोल्ड किए थे उतना ही कपड़ा इसमें भी फोल्ड करने मिले। ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा डायमंड बराबर नहीं बैठेगा, एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम करते जाएंगे।
तो ये हमारा एक साइड का सिल चुका है, हम दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह से सिल लेंगे। तो देखिए हमारा चांद ऐसा बन के आया है सीधा साइड से, और मैंने पीछे के साइड को भी फोल्ड कर लिया है और दूसरे साइड को घुमा लिया आगे के साइड को। बराबर देख लेना है दोनों बराबर है कि नहीं, और इस तरह से फोल्ड करके फिर ले लेना है। उसके बराबर से हमें फोल्ड करके लेना है, इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे और सिलाई मारते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और सिलाई मारेंगे, एक बार में ज़्यादा ना लें। इस तरह से हम चला लेंगे। ये हमारा बराबर हो गया दोनों। अभी हम इसे साइड वाला सिलाई मारेंगे एकदम कोना पे, एकदम साइड में सिलाई मारना है। इस तरह से हम साइड साइड में सिलाई मारते जाएंगे। ध्यान देना है टेढ़ा मेढ़ा सिलाई ना जाए, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इस तरह से घुमा देंगे, घुमा के फिर हम इस तरह सिलाई मारेंगे ताकि हमारा चांद गुच्छा सा ना हो। पूरे में इसी तरह से हम सिलाई मारते जाएंगे। अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे। तो देखिए हमारा चाप बिल्कुल बराबर बैठा है। तो हम बाजू बनाएंगे, तो पहले बाजू की हम आर्मर कटिंग कर लेंगे। हमने सिलदा में कटिंग नहीं किया था, इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। हमने पहले बाजू में लगाया है, बाद में लगाया है, अच्छी तरीके से बैठ जाता है ऐसे, और कोना साइड में एकदम बराबर आता है। और पहले लगा देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। इस तरह से दोनों साइड के सिलाई को बराबर में मिला के और सूट को हमें उल्टे साइड में रखना है, उल्टे की तरफ, और बाजू को सीधे के साइड अंदर करके और दोनों को बराबर करके मिला के और इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके लगा देंगे। दोनों का सिलाई बराबर देख लेना है, बराबर है कि नहीं, और उसके बाद सिलाई चला लेंगे। दोनों को बराबर करके रख लेंगे। और सिलाई चलाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह हमें सिलाई मारते जाना है। दोनों को बराबर कर करके हल्का हल्का सा बराबर करेंगे और सिलाई मारते जाएंगे, एक ही बार पूरा को नहीं। इस तरह बस हल्का हल्का करके और करते जाना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और हम हमेशा नए नए वीडियो लाते रहते हैं और हमारे चैनल पे क्लास भी चल रहा है सिलाई कोर्स, तो आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं बिल्कुल जीरो पे सिखाया जा रहा है, जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए भी है। इस पर हम डबल सिलाई मार देंगे ताकि मजबूत हो जाए। इस तरह से मारते जाना है, तो इस तरह से चलाते जाएंगे। तो ये हमारा डबल सिलाई भी हो चुका है, अब दूसरे वाले में भी हम सेम इसी तरह से लगा लेंगे बाजू। ये देखिए हमारा बाजू लग चुका है। ये तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा दोनों बाजू तैयार है, देखिए बिल्कुल बराबर बैठा है और ये हमारा सूट रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। बाय।